हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रसाद सुतो ने स्माइल वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक मानेवाड़ा स्क्वायर। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन दिखने वाले डिसीज़ के बारे में, OSMF, जो इंडिया में जो बैड हैबिट्स है, सुपारी, खर्रा, खैनी, उसके वजह से काफ़ी पाया जाता है। OSMF मीन्स ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, सुपारी के एरिकोलाइट्स की वजह से आपके ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स या टंग, इसके जो कोलेजन फाइबर्स रहते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। उसमें पेशेंट्स को दिक्कत ये होती है कि पेशेंट्स को मुंह खोलने में तकलीफ़ होती है, उसको ठंडा तीखा बहुत ज़्यादा लगने लगता है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। और बहुत ज़्यादा अगर हैबिट्स रही तो ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस का कैंसर में भी आप पाए जा सकते हैं। तो OSMF का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। हम यही एडवाइस करेंगे सारे पेशेंट्स को। 70% जो पेशेंट डरते हैं कि उनको कैंसर हो जाएगा, उनकी हैबिट छूट नहीं रही है, तो प्रिवेंशन इज़ सबसे उसका बेस्ट इलाज है। आप अगर हैबिट्स जो आपकी है, चैनी, खर्रा, स्मोकिंग, अगर ये अवॉइड करेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट वैसी हो जाएगी, 70% ट्रीटमेंट आपकी वैसी हो जाएगी। उसके बाद तो जो आता है, हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं, इंट्रालिजनल स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की मेडिसिंस रहती है और मल्टीविटामिन्स की कैप्सूल्स रहती है। वो कंटिन्यू लेने से आपके कोलेजन फाइबर में काफ़ी इलास्टिसिटी रिकवर हो जाएगी। और एक्सरसाइज, मेनली एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज रहती है, एयर बलूनिंग या फिंगर एक्सरसाइज रहती है, तो ये अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस से आपका छुटकारा हो सकता है। बट एक ही है कि ये होने ना दे, ये सबसे आपका बेस्ट उसका इलाज रहेगा। तो फ्रेंड्स, अवॉइड कीजिए टोबैको, अवॉइड कीजिए कैंसर, और यही बोलेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर फॉर एनी OSMF पेशेंट।